आस्था बहू, मालकिन ने आपको बुलाया है स्टोर रूम में। स्टोर रूम में बुलाया है, पर क्यों? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जी मामी जी, आपने मुझे बुलाया। आ जा। जानती हो बच्चे गुड्डा गुड्डी के साथ क्यों खेलते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा बड़ों की बात मानते हैं, पर वो चाहते हैं कि कोई उनकी भी बात सुने। पर गुड्डा गुड्डी वही करते हैं। मैंने भी सोचा था कि मेरे बेटे की बहू इस घर में आएगी, मेरी हर बात मानेगी। पर आ गए तुम, और तुमने तो मनमानी करना शुरू कर दिया। वैसे मैंने बिल्कुल सही किया था इस गुड़िया को अपनी बहू मानकर, लेकिन शेर के सामने तुमने जो अपनी बहादुरी का कारनामा दिखाया ना, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। यही सोचकर मैंने फिर तुमसे बातचीत करना शुरू कर दिया, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, क्योंकि तुम अपनी आदत से मजबूर। अच्छी लड़की नहीं हो तुम, तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, भगवान के प्रति तुम्हारे दिल में विश्वास नहीं है, और इसीलिए तुम हमारे इस घर में रहने के लायक नहीं है। मेरे दिए हुए वरदान के वजह से तुम इस घर में रुक गई। सोचा था एक मौका दिया है तुम्हें, तुम बदल जाओगी, पर नहीं। पर तुमने बार बार गुरुमा का अपमान किया, हर जगह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें आस्था, अगर चाहती तो इस मौके का फायदा उठाकर हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा करती। मैं अपने परिवार के लिए अच्छा ही कर रही हूँ मम्मी जी, पर क्योंकि हम दोनों की सोच अलग है, इसलिए आप मेरी कोशिश देख ही नहीं रही है। पर आप ये तो मानती है ना कि अगर कोई एक ही बात बार बार बताने की कोशिश कर रहा हो तो उसमें 1% सच्चाई तो होगी, और ये 1% सच्चाई एक बीज का काम करेगा, जिसमें से जब पौधा निकलेगा तो वो आप सबको नजर आएगा। आप लोग मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, पर मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ वो आप सबको एक ना एक दिन जरूर नजर आएगा, और जब वो दिन आएगा मैं आप सबका दिल जीत लूंगी, और आपका भी मम्मी जी। ठीक है, मैंने जो तुम्हें वरदान दिया है ना आस्था, उसकी कीमत चुकाने का एक आखिरी मौका देती हूं तुम्हें। अगर तुमने पूरे परिवार वालों का दिल जीत लिया तो मैं तुम्हें इस घर में एक बहू का दर्जा दूंगी, वो पूरा मान सम्मान दूंगी जो हर घर में हर बहू को मिलता है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे इस घर से चले जाओगे।
मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है मामी जी। मैंने सुना है तुमने आस्था को सबका दिल जीतने का एक और मौका दिया। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे फैसले पर संदेह नहीं कर रही। जब तुम उसे एक बार इस घर में रहने का वरदान दे चुकी थी तो इसकी क्या जरूरत थी? मेरा मतलब, तुम्हें लगता है कि वो इसके योग्य है? गुरुमा, मैंने जो भी किया है शिव के लिए किया है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन मैं उसके दिल की बात जानती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा है, शिव भी यही चाहता है कि हम आस्था को एक और मौका दें। पर मैंने देखा शिव आस्था से कितनी नफरत करता है। शिव का रवैया आस्था के प्रति, मुझे नहीं लगता कि शिव के दिल में आस्था के लिए कोई भावना शेष है। आपको इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप सिर्फ गुरुमा हैं, पर मैं एक माँ हूँ और एक माँ ही अपने बच्चे की दिल की बात बिना कहे जान देती है। बस गुरुमा, शिव के लिए ही मैं। आप वहाँ क्यों खड़ी है? आइए, नाश्ते पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। आइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।